उधर अखिलेश यादव ने सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने सीएम योगी पर तंज कसते हुए उन्हें बायोलॉजिकल बताया। अखिलेश ने कहा कि सीएम योगी को समाजवादियों के डीएनए की काफी चिंता है, लेकिन शायद वो इसका फुल फॉर्म भी नहीं जानते होंगे। उससे भी बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री कहने को योगी हैं कि कभी कभी बायोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अब उस बहस में मैं नहीं जाऊंगा कि बायोलॉजिकल वाली बहस में जाऊं कि ना जाऊं, कि बायोलॉजिकल हैं आप कि नहीं बायोलॉजिकल हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को चिंता है डीएनए की, उन्हें बहुत चिंता है डीएनए की। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शायद किसी दिन वो जो पावर प्लांट है उनका नाम बोलेंगे। वो आज भी पावर प्लांट का नाम नहीं ले पा रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं वो डीएनए तो बोल सकते हैं लेकिन डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। इसलिए डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और आइए आपको बताते हैं कि सीएम योगी ने कल मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के डीएनए के बारे में क्या कहा था। अराजकता और गुंडागिरी इनके डीएनए का हिस्सा है, और प्रदेश में इनका मॉडल देखना है तो मॉडल इनका विकास का नहीं है। ये लोग विकास का नहीं, विकास के कार्यों में लूट मचाने वाले लोग हैं। आपने इनके कारनामों को देखा होता। सीएम योगी आदित्यनाथ के भेड़िया वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जहां तक माफिया का सवाल है, पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखिए किसी और को भी माफिया कहा जाता था। आप उलझो मत, आप बिल्कुल मत मानिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि अखबार मीडिया भी थोड़ा बाइज्ड है। 46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए,